हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ एक काजल का रिव्यू एंड इट्स के ब्यूटी जेल काजल। सो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज के ब्यूटी प्रोडक्ट्स फ्रॉम सो लॉन्ग, सो फाइनली आई ऑर्डर्ड अ काजल। ओके, सो दिस इज देयर काजल एंड इफ यू विल सी द आउटर पैकेजिंग इज क्वाइट क्लासी, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, एंड दिस इज प्राइस एट ₹450, बट मैंने इसको सेल में लिया था नायका पे, सो आई गॉट इट फॉर ₹383। And it is a gel kajal, that is the best part, and you can also use it as a liner. It works really well. So I'm going to review everything and also I'm going to show you the demo of it, like wo kitni easily apply ho jata hai, glide ho jata hai eyes pe aur nahi hota hai. So I'm going to show you each and everything in this video. And when you will look at the packaging, it claims that it's gel formula, waterproof, all day wear and effortless glide. So we are going to check that, does it really work the way they said. When we look at the backside of the packaging, they have written all the details like where they manufacture and all, and the manufacturing date and expiry date, shelf life, everything is mentioned on the packaging. Here is the kajal. You will see that very cute designing on it, and also this is a pencil kajal, you have to sharp for it. इनका एक और काजल आता है, इट इज नॉट अ रोल ऑन, बट वो सेकेंड वाला जो है दैट इज रोल ऑन, यू कैन ट्विस्ट अप एंड ट्विस्ट डाउन दैट वन, एंड इससे आई गेस इससे थोड़ा सा वो कम प्राइज्ड है, आई गेस दैट इज फॉर ₹250 ओनली। सो अगर आपको वो चाहिए आप वो भी ट्राई कर सकते हो, बट आई रियली वॉन्टेड अ जेल काजल जिसको मैं आई लाइनर की तरह भी यूज कर सकूँ, बिकॉज कभी कभी आई लाइनर अप्लाई करने में और उसे सेट होने में टाइम लगता है, सो इट विल रियली सेव माई टाइम। It has really a gel formula, guys. This is smudge proof, this is waterproof, and it glides on your eyes so easily. I have used it earlier, so I know my experience. I have used it like whole day, aur ye aapke eyes pe na bahut acche se 6 to 7 hours stay karta hai. मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल भी स्मज नहीं हुआ। लाइक होता है ना जब आप काजल अप्लाई करते हो तो यहाँ से लगाने के बाद वो थोड़ी देर बाद वो क्या होता है फैल जाता है पूरा, लाइक पूरा नीचे ऐसे फैला फैला सा हो जाता है, लाइक डार्क सर्कल से बन जाते हैं। सो बिल्कुल भी वैसे नहीं होता है, एक बार आपने जैसे लगा लिया ना फिर आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इट विल स्टे ऑन योर आई जस्ट द वे यू हैव अप्लाइड इट। ऑल्सो गाइज, डूइंग अ स्मोकी आई विद दिस काजल इज क्वाइट टफ, बिकॉज जैसे ही आप इसे लगाते हो ना लाइक क्विकली विद इन सेकेंड्स ये आपके आईज पे सेटल हो जाता है, और स्मोकी आई के लिए हमें ऐसा काजल चाहिए होता है जो कि जिसे हम स्मज कर सके, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप इसे स्मज कर सको। सो बेसिकली दिस इज नॉट फॉर स्मोकी आईज, इसे आप लाइनर की तरह यूज कर सकते हो, काजल की तरह यूज कर सकते हो। ये वाटर लाइन पे भी बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, लोअर वाटर लाइन और ऊपर भी बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। आई हैव ट्राइड इट एंड इट जस्ट मेक्स यू लुक सो गुड, क्योंकि इसका कलर भी जो है बहुत अच्छा है, दिस इज हाईली पिगमेंटेड, जो ब्लैक कलर होता है ना। आई एम जस्ट गोइंग टू स्वॉच इट हेयर, जस्ट लुक एट द कलर, दिस इज रियली रियली हाईली पिगमेंटेड गाइज, कलर इज रियली गुड एंड ये बहुत अच्छे से स्टे होता है। आई विल गिव इट सम टाइम टू सेटल डाउन, उसके बाद मैं आपको इसका स्मज टेस्ट भी करके दिखाऊंगी कि स्मज होता है या नहीं होता है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है ना जब आप कुछ नया प्रोडक्ट यूज करते हो या आई प्रोडक्ट बेसिकली काजल और लाइनर, देन इरिटेट्स योर आईज, वॉटरी हो जाती है आईज या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। सो एंड ऑल्सो मेरी आईज जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है काजल और लाइनर अप्लाई करने में, बिकॉज मेरी आईज जो है वॉटरी है, उससे बहुत ज़्यादा इशू होता है लगाने में मुझे। बट दिस काजल मेड थिंग्स ईजी फॉर मी, इसको लगाने पर मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन फील नहीं हुआ, मेरी आईज वॉटरी भी नहीं हुई, सो दिस इज़ अ रियली पॉजिटिव पॉइंट फॉर मी। द कलर ऑफ दिस काजल इज सो इंटेंस डीप ब्लैक एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। And if you will talk about the texture is so so nice that it glides on your eyes so beautifully. बिल्कुल भी आपको अपने eyes को stretch करने की ज़रूरत नहीं है like apply करने के लिए। बहुत सारे काजल में क्या होता है जब आप उसे apply करते हो तो बहुत ज़्यादा problem होती है, like you have to keep your eyes like this or that, तो वो इस तरीके से problem आपको नहीं होगी, बहुत ही easily glide होता है, which I'm going to show you in my demo. इट अप्लाइज तो एफर्टलेसली गाइज, आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है इस काजल को अप्लाई करते हुए। इफ यू विल आस्क मी दैट विल आई रिकमेंड दिस काजल और नॉट, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट। मेनी पीपल विल थिंक दैट इट इज ऑन हायर साइड, प्राइस थोड़ा ज्यादा है, बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग थिंग्स ना तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो आप। लाइक फॉर ₹450, आप ₹450 लगाने की जरूरत नहीं है, सेल में होता है तो आपको ₹350 में मिल जाएगा, बट इट रियली स्टेज ऑन योर आईज और ये लाइनर का भी काम बहुत अच्छे से करता है। This is 2-in-1 product, so I will definitely recommend it to you. Okay, now I'm going to show you that it's really smudge or not. आपने देखा था मैंने ये काजल लगाया था, now I'm going to just rub it.
जस्ट लुक एट इट, ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होता. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द वाटर प्रूफ टेस्ट. उसके लिए मेरे पास एक स्प्रे बॉटल है जिसमें मैंने वाटर रख रखा है. नाउ आई एम गोइंग टू स्प्रे ऑन इट. एज यू गाइस कैन सी मैंने स्प्रे किया, अभी से मैं स्क्रब करने वाली. आप देख सकते हो पानी डालने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं हटा है. सो दिस इज ऑल्सो वाटर प्रूफ, दिस इज ऑल्सो स्मज प्रूफ. एंड अब मैं आपको इसका डेमो दिखाने वाली हूँ कि आइस पे कितनी इजिली ग्लाइड हो जाता है एंड इसका कलर कैसा है, पिगमेंटेशन कैसा है, आप खुद देखना अभी. तो सबसे पहले मैं अपने वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी. सो हियर वी गो. Guys can see इसका कलर कितना ज्यादा पिगमेंटेड है एंड हाउ ब्यूटिफुल इट्स लुकिंग. अब मैं इसे अपने आई लाइनर की तरह ऊपर यूज करूंगी. हाउ ब्यूटिफुल एंड इंटेंस दिस कलर इज. एज यू गाइज कैन सी टोटली द डिफरेंस इन बोथ द आईज. So its application is also so easy. दोनों आँखों में लगाने के बाद ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत ही ज्यादा पॉप अप कर देता है आपके आईज को विद इट्स इंटेंस कलर. सो या गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू रियली लाइक इट. एंड ऑल्सो डू कम बैक टू माई चैनल इफ यू रियली एंजॉय माई कंटेंट एंड इट वुड रियली मीन अलॉट टू मी. एंड तब तक के लिए नमस्ते.